और अब बात इंदौर की करेंगे, जहां सांवेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला ने मुलाकात की है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने भी मुलाकात की। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी। विजयवर्गीय और मेंदोला के पास सांवेर की जिम्मेदारी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, राजेश सोनकर, रमेश मेंदोला और महासचिव बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में वो भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ। दीपक, कैलाश विजयवर्गीय हमेशा रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं और अब सवाल ये कि सांवेर सीट की जिम्मेदारी भी उन पर ही है, ऐसे में लगातार चर्चाएं चल रही हैं, कैसे क्या हो सकता है, कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कोरोना संकट है, वर्चुअल किस तरह से पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया का किस तरह से उपयोग करना है, तमाम तरह की बातें हो रही होंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि आगामी जो उपचुनाव है और उसमें खासतौर पर मालवा निमाड़ की जो 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर की उपचुनाव होना है, उसकी जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी गई है। और साथ साथ खासतौर पर चुनाव सांवेर के उपचुनाव को लेकर जो प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो कैलाश विजयवर्गीय के सबसे खास सिपहसालार विधायक रमेश मेंदोला के हाथों में दी गई है। और इसी के तहत आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर के घर पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर सांवेर उपचुनाव को लेकर रणनीति को लेकर चर्चा की गई और विस्तृत रूप से कल इंदौर में बैठक भी की गई है जहां पर की भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और आगामी दिनों में सांवेर उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम गुड्डू के मैदान में उतरने के बाद ये चुनाव को लेकर थोड़ी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं और भाजपा किसी भी तरीके से कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती और पूरी तरीके से सांवेर उपचुनाव पर जीत हासिल करने के लिए जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। और इसी के तहत जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं राजेश सोनकर, जो कि सांवेर के पूर्व विधायक भी रहे हैं और उन्हें जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, लेकिन उनका साथ और बढ़ाने के लिए यहाँ पर रमेश मेंदोला भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव में आगे प्रबंधन का काम करेंगे। साथ ही साथ मालवा निमाड़ की जो 5 विधानसभा सीटें जहां पर की उपचुनाव होने, उसकी पूरी जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के हाथों में है। तो लिहाजा संगठन के फैसले के बाद लगातार कैलाश विजयवर्गीय जो उपचुनाव है जहां जहां पर मालवा निमाड़ की सीटों पर वहां के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पूर्व में वे हाटपिपला भी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने दीपक जोशी के साथ में मुलाकात की थी और अब सांवेर उपचुनाव को लेकर उन्होंने राजेश सोनकर के साथ अभी निवास पर कुछ देर पहले पहुंचे थे, वहां पर मुलाकात हुई है और कल बैठक यहां पर की जाएगी और उसमें आगे की रणनीतियां तय की जाएगी। शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए।